उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री से एक बना हुआ तमंचा और 12 कारतूस समेत असलहा बनाने की उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं इस मामले को लेकर SSP मंजुनाथ TC ने कहा कि कल देर रात पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम आर्यनगर खेत के किनारे जंगल के पास पेड़ों के नीचे अवैध असलहा बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां से मौके से महर सिंह को अवैध असलहा बनाते हुए गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आरोपी महर सिंह पर वर्तमान में 13 मुकदमे जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में फैक्ट्री से अवैध तमंचे बरामद किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, इसी दिशा में पुलिस और समितियों को काम करना है। इसी क्रम में माननीय DIG महोदय और माननीय DGP महोदय और माननीय DAG महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए गुड वर्क और स्पेशली ड्रग्स पे वेपन्स पे काम करना चाहिए करके। आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है, हमारे को इस साल का सबसे हाईएस्ट वेपन्स रिकवरी हुआ है और गदरपुर थाना पुलिस द्वारा इनपुट पर काम करते हुए ग्राम आर्यनगर में खेत के किनारे में घनी जंगलों में अवैध असला बनाने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उजागर किया गया है और बहुत बड़ी फैक्ट्री को भांडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री को बरामद किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के असले जिसमें 11 तमंचे, विभिन्न बोर के 11 तमंचे जो चलती हालत में हैं और 12 आदत कारतूस, बहुत सारे आपका बैरल्स जिसको नाल बोलते हैं, हथियार बनाने का हथियार का और अवैध असला का पार्ट्स होता है, जैसे बट हो गया, ट्रिगर हो गया, उन सब की पार्ट्स हो गए और दुनिया भर के इक्विपमेंट है जो असला बनाने का, ये सभी बहुत बड़ा अवैध असला का जखीरा, अवैध असला का फैक्ट्री बरामद हुआ है। बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 लोग इसका संचालन करते थे, 2 लोग मौके से फरार हो गए। एक महर सिंह है जिसके ऊपर 14 मुकदमे हैं, 1985 से 94 से लेके 92 से लेके अब तक 14 मुकदमे हैं। IPC के सभी धारा के मुकदमे इसके ऊपर है, खाली आर्म्स एक्ट का नहीं है। तो इसको हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि ये पहले से भी, जब यहाँ पे गदरपुर में वायलेंस चल रहा था 90s के दशक में, तब भी ये काम करता था और आज भी नहीं छोड़ा है इसने।